हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। पानी निकासी को डीजल के लिए चक्कर काट रहे खरखुदा के किसान, नगरपालिका व BGPO कार्यालय ने लिखकर दिया वे नहीं दे सकती पर्ची। प्रदेश सरकार ने खेतों से बरसाती पानी निकासी के लिए डीजल तेल मुहैया कराने के आदेश जारी किए हैं। रोहना बिदलान सहित विभिन्न गांवों के किसानों को सहायता मिल भी गई है, लेकिन जो एरिया खरखुदा नगरपालिका की लिमिट से बाहर है और किसी भी खरखुदा सीमा में नहीं है, ऐसे एरिया के किसानों को डीजल मुहैया नहीं करवाया गया। कई किसानों ने हार मानकर खुद ही अपने खर्चे पर पानी निकासी शुरू की है। इस चक्कर में एक किसान को ट्रैक्टर भी चोरी हो गया, जो बाद में मिल गया। लेकिन खरखुदा एरिया का किसान रामफल व उसके पड़ोसी किसान 21 सितंबर 2021 से निरंतर चक्कर काट रहे हैं। उन्हें डीजल अभी तक मुहैया नहीं हो पाया। खरखुदा के किसान नहरी विभाग, कृषि विभाग, BGPO, SDM कार्यालय, DC ऑफिस व नगरपालिका में चक्कर लगा चुका है, लेकिन अभी तक उसे न तो डीजल तेल मुहैया करवाया गया है और न ही उसके खेतों से पानी की निकासी की गई। किसान रामफल जिले सिंह, सुनील कुमार, टीकाराम रामकवार का कहना है कि सरकार ने उनकी मदद नहीं की तो उनके बहुत से खेतों में वे गेहूँ की बिजाई से वंचित हो जाएंगे। उनकी आजीविका पहले से संकट में चली हुई है। बरसाती पानी के कहर के कारण फसलें तबाह होने पर खरखुदा का एक किसान सुसाइड भी कर चुका है। किसान के एप्लीकेशन पर लिखा एरिया उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। किसान का कहना है कि विभिन्न दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद खंड विकास कार्यालय के अधिकारियों ने लिखा कि एरिया उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जब किसान नगरपालिका में पहुंचा तो वहां पर भी उसके एप्लीकेशन पर ऐसा ही लिखा गया। अब किसान फिर से SDM व DC से मिलेगा। हमारी पानी निकासी के लिए कोई समाधान नहीं हुआ, एक महीना हो गया आज तक, और मैं और हमारी पार्टी के सदस्य हैं उपायुक्त सोनीपत 29/9/21 को वहां पहुंचे, वहां हमारी कॉपी रिसीव कर ली है। फिर उसके बाद में कानून गो और कमरा नंबर 18 कमरा नंबर 116 में वहां हमारी एप्लीकेशन घूमती रही। फिर वहां से खबर मिली है आपका केस SDM खरखोता के पास चला गया है। SDM खरखोता के पास आया मैं, फिर हमारी पार्टी भी बाहर बैठी थी, मैं SDM साहब से खुद मिला हूं और मंगा दिए पानी निकासी के लिए, इसका समाधान कैसे हो? नगर पालिका मना करती है, ये हमारे अंडर की जमीन नहीं है और ब्लॉक विकास खंड MA विकास अधिकारी खरखोदा ब्लॉक से वहाँ भी मिला हूँ, वो बोलते हैं हमारे अंडर में ये जमीन नहीं है। 8 नंबर ड्रेन से लेकर रोना बाईपास तक लबालब खेत भरे हैं, उजड़े हुए फसल है, बर्बाद हो रही है, धान है जमीन के बिल्कुल पैरेलल में, पानी ऊपर है। और नगर पालिका के पास गया मैं, फिर वहाँ से बोलते हैं जी हम ये हमारी जमीन नहीं है। वहाँ पटवारी बैठा था नगर पालिका का, उन्होंने यही जवाब दिया ये जमीन हमारे अंडर में नहीं है। और मैं आज खरखोदा विकास खंड अधिकारी से मिला हूँ मैं, उन्होंने बताया मैडम जी ने, SDO मैडम जी है वहाँ, उन्होंने भी यही बताया है कि ये बाईपास के अंडर में जमीन ये तो नगर पालिका की है, मतलब बाहर की ये जमीन हमारी है नहीं। अब ये जमींदार कहाँ जाएंगे इतने? और ये देखिए हमारे ये किसान भाई कितनी बार सोनीपत, ये मैं आपको अपनी एप्लीकेशन दर्शा रहा हूँ, कई ब्लॉक इसमें कृषि विभाग खरखोदा, सोनीपत, LTO, सिंचाई विभाग और पुरानी तहसील सोनीपत खरखोदा वाले क्या किसान नहीं है क्या? इनको पानी निकासी के लिए तेल क्यों नहीं दिला जा रहा सरकार ने? अभी तक हमारे खेतों में पानी 1 फुट 1.5 फुट तक लबालब भरा है, धानों के ऊपर का पानी। मैं 72 साल का आदमी हूँ वक्त अवस्था का, और हार्ट का मरीज हूँ मैं, चक्कर काट काट के थक चुका हूँ। और हमारा ये पानी निकासी का सरकार ने समाधान के लिए बोला है, नहीं कोई दफ्तर इधर का नहीं उधर का, कोई सब हमारे को चक्कर में डाल रहे हैं कि क्या पानी निकासी होगी या नहीं होगी। इसकी जिम्मेवारी सरकार की है ना कि किसान की। 20 से 25 अक्टूबर 2021 को जालंधर में हुई 20वीं राष्ट्रीय जूनियर वुशु प्रतियोगिता में प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल खरखुदा के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण 3 रजत व 3 कांस्य पदक सहित कुल 11 पदक जीतकर हरियाणा राज्य सोनीपत जिले ब्लॉक खरखुदा प्रताप स्कूल खरखुदा वे अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। पदक विजेता खिलाड़ियों में अपर्णा रवि 60 किलोग्राम, अमित राठी 65, ईशु 70 व आदर्श 80 ने स्वर्ण पदक, यश 52,
दीपिका 56 व कुशल 75 ने रजत पदक तथा सौरभ 56, दीपक 60 व हर्ष मलिक 65 ने कांस्य पदक प्राप्त किया। सभी पदक विजेता खिलाड़ियों का विद्यालय प्रांगण में द्रोणाचार्य अवार्ड एवं प्रकाश दहिया, खेल निदेशक प्रताप स्कूलखर कुदा, प्राचार्य धर्म प्रकाश आर्य व वुशु कोच विनोद गुलिया ने फूलमालाओं से स्वागत किया। थानेकला गाँव में लोधा राजपूत चौपाल का हुआ उद्घाटन। थानेकला गाँव में जिला प्रशासन और सरकार के सहयोग से सरपंच बलराम दहिया ने लोधा राजपूत समाज के लिए चौपाल का निर्माण कार्य पूरा कर दिया है। इस मौके पर चौपाल के उद्घाटन में लोधा समाज की और अन्य 36 बिरादरी के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। थानेकला गांव में लोधा राजपूत समाज की चौपाल बनाने का वर्षों पुरानी मांग आज पूरी हो गई। सरपंच बलराम दहिया के भाई कृष्ण दहिया ने बताया कि गांव में 10 करोड़ रुपए के विकास कार्य बिना भेदभाव के हुए हैं। लोधा समाज की चौपाल में इस समाज के ही नहीं बल्कि 36 बिरादरी के लोग एक साथ बैठकर धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम आयोजित कर सकेंगे। इस अवसर पर थानेकला गांव के समाजसेवी कपिलदेव चौधरी, बीरेंद्र सिंह दहिया व अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। समाजसेवी कपिलदेव ने कहा कि चौपाल गांव में आपसी भाईचारे की एक मिसाल कायम करेगी। यहां सभी जातियों और धर्मों के लोग बैठकर के सामाजिक सामंजस्य स्थापित कर गांव के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। दूध पियो स्वस्थ जियो प्रतियोगिता 1 नवम्बर को खरखुदा में 5131 रखा इनाम, 100 रुपये एंट्री फीस। खरखुदा में 1 नवम्बर को जगोत्थान खेल शिक्षा समिति द्वारा सांपला बाईपास चौराहे के पास प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल में हरियाणा दिवस पर दूध पियो प्रतियोगिता होगी। सोमवीर आर्य ने बताया कि देशा में देश हरियाणा जिस दूध दही का खाना पूरी दुनिया में यह राज्य प्रसिद्ध है, परंतु आज का युवा नशे की ओर अग्रसर हो रहा है। इस दूध पियो प्रतियोगिता का मूल उद्देश्य आज के युवा को स्वास्थ्य की ओर जागरूक करना है, हरियाणा की संस्कृति के साथ जोड़ना चाह रहे हैं। जैसा खाएं अन्न वैसा हुए मन, जैसा पीवे पानी वैसा ही हो वाणी। यदि आज हम युवा को हरियाणा की संस्कृति के साथ जोड़ने में सफल होते हैं तो यह युवा शिक्षित स्वस्थ होकर आने वाले काल में हरियाणा प्रांत का नाम भारत ही नहीं अपितु विश्व भर में ऊंचा करने का काम करेंगे। स्वस्थ मन में ही स्वस्थ आत्मा का विकास होता है। वह खेलों के माध्यम से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर इस हरियाणा प्रांत का नाम रोशन करेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमांडो आशीष, पवन आर्य, सुरेश थर्मपल फौजी, शमशेर धर्मेंद्र, प्रदीप आर्य, पवन सिसाना, संदीप थानाकला, रोहित राठौर, मंजित, अरुण, विपिन, वीरेंद्र बरोना, राकेश निलोठी, धर्मेंद्र, प्रवीण शर्मा, ललित सैदपुर रहे। राजकीय महाविद्यालय पीपली की छात्रा निधि ने प्रथम राष्ट्रीय ग्रैपलिंग रेसलिंग प्रतियोगिता के 71 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। यह प्रतियोगिता 20 से 22 अक्टूबर को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई थी। महाविद्यालय पहुंचने पर छात्रा निधि का स्टाफ व विद्यार्थियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। महाविद्यालय प्रभारी किरण सरोहा ने विद्यार्थियों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करनी चाहिए ताकि वे अपने माता पिता, गांव व क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। इस अवसर पर दिनेश कुमार, किरण चौहान, योगेश बाजवान, जोगिंदर रांगी, नमिता रजनी, डॉक्टर मनदीप, डॉक्टर रजनीश, जगवीर सिंह, राजेश, बलराम, संदीप सिंह व अन्य द्वारा छात्रा का स्वागत किया गया। बाइक पर जा रहे थे मामा भांजे, सड़क दुर्घटना में भांजे की मौत। बिदलान से मोटरसाइकिल पर सैलाना जा रहे मामा भांजे की बाइक के सामने से आ रही एक बाइक ने टक्कर मार दी, जिसमें गंभीर रूप से घायल हुए भांजे की मौत हो गई। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पानीपत के मनाना गाँव के रहने वाले प्रदीप ने बताया कि वह अपनी बहन कविता के मायके बिदलान में आया हुआ था, जो अपने भांजे धीरज के साथ अपनी बहनोई की बाइक पर किसी निजी काम से सैलाना गाँव की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वो हनुमान मंदिर के पास पहुंचे तो सामने से एक तेज रफ्तार बाइक आई। उसने उसकी बाइक को सीधी टक्कर मार दी और बाइक के पिछली सीट पर महिला भी बैठी हुई है। जैसे ही सामने से बाइक को टक्कर लगी तो उसका भांजा उछलकर सड़क पर जा गिरा, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल भांजे को वह खरगुदा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लेकर गया, जहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी पर मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। होटल पर खाने को लेकर दो गुटों में झगड़े, दोनों तरफ से ही दर्ज हुई FIR, पुलिस कर रही जांच। खरखुदा रोहना मार्ग पर से JK होटल पर खाने को लेकर झगड़ा हो गया। इस झगड़े में लाठी, डंडे व चाकू चले। घायलों को अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। होटल संचालक अरुण ने अपनी शिकायत में कहा कि वे अपने साथ आशीष के साथ रात को ढाबा बंद कर रहे थे। इसी दौरान 5 युवक आए और खाने की कहने लगी। उन्होंने मना किया तो आरोप गाली गलौज करने लगे, जिनमें से एक युवक ने पिस्तौल निकाल ली, उसकी आंख पर बट मारा। दूसरे युवक ने चाकू उठाकर हमला कर दिया। तीसरे युवक ने लोहे की रोड से हमला किया। इस दौरान उसके 14,000 रुपये भी छीने गए। दो अन्य आरोपियों सहित कुल 5 आरोपी थे। घायल अवस्था में उन्हें पीजीआई खानपुर रेफर किया गया, जहाँ से उन्होंने अपना इलाज सोनीपत के ऑस्कर अस्पताल में शुरू करवाया है।
यही नहीं, आरोपी बाद में सबूत मिटाने के लिए आई शटर तोड़कर गले से 7,000 रुपये, सीसीटीवी डीवीआर भी अपने साथ लेकर गई। आरोपियों पर आईपीसी की धारा 148, 149, 323, 379, 427, 380, 457, आईपीसी 2554 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अरुण व आशीष को चोट आई है जिनका इलाज चल रहा है। होटल पर खाना मांगा तो बेरहमी से पीटा, पुलिस ने किया मामला दर्ज। रोहना गांव निवासी रोहित ने पुलिस को शिकायत दी कि वह अपने साथियों के साथ जेके होटल में खाना खाने के लिए गए थे। जैसे ही खाने के लिए कहा तो होटल संचालक ने उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। रुका तो हाथापाई करने लगी और उन्होंने अपने अन्य साथियों को बुलाकर वहां पर रखी हुई चाकू से उनकी कमर व गर्दन पर हमला कर दिया। इस दौरान उन्होंने लाठियों व सरियों से मेरे साथियों पर हमला कर दिया। एक आरोपी ने उसके गले की 5 तोले की सोने की चैन भी तोड़ ली व जान से मारने की धमकी दी। उसके घर वाले उसे पहले सिविल अस्पताल खरकुटा लेकर गए, फिर वहां से सन फ्लैग अस्पताल रोहतक इलाज करवाने के लिए ले गए। इस दौरान आरोपियों ने उसकी साथी की बाइक को भी तोड़ दिया। थाना प्रभारी करमजीत सिंह का कहना है कि दोनों पक्षों के घायलों के बयान दर्ज कर मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमोद, जनरल मेडिसिन, होशियार सिंह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खरगोदा से। हमने जो कैंप लगाया था वो ENT का, जिसको हम भाषा में नाक कान गला रोग कहते हैं, और एक गैस्ट्रो का, जिसको हम पेट से रिलेटेड रोग कहते हैं, ठीक है जी। और जो डॉक्टर साहब आए हुए थे, रोहतक फेमस जो हॉस्पिटल है हमारा नोबल हर्ट, वहाँ की टीम आई हुई थी, और उन्होंने दोनों डॉक्टर्स ने मिलके 200 प्लस की OPD आज देखी है यहाँ पे, ठीक है, और उनका अनुभव भी बहुत ही अच्छा रहा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ मक्कड़ ट्यूलिप हॉस्पिटल में अपनी ENT की सेवाएं दे रहा हूँ। ENT स्पेशलिटी में नाक कान और गला, इन सब के जो बीमारियाँ हैं उनको देखा जाता है। इसमें हम नाक कान गले की बीमारियाँ, जैसे कान के पर्दे में छेद होना, कान की हड्डी गल जाना, कान से सुनाई ना देना, चक्कर आना, ये सब दिक्कतें हम देख रहे हैं। नाक की दिक्कत, नाक से खून आना, या फिर नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाना, नाक में मांस बढ़ जाना। अगर इस किसी भी दिक्कत से आपको किसी भी चीज़ का ऑपरेशन कराने की ज़रूरत पड़ती है, वो ऑपरेशन भी यहाँ पर सब सुविधाओं के साथ उपलब्ध हैं। दूरबीन के साथ हो जाता है, बिना चीरे के हम ऑपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर। गले के लिए टॉन्सिल का ऑपरेशन हो गया, एडिनोइड्स के हो गए, जो नाक के पीछे मांस बढ़ जाता है, बच्चों में एडिनोइड्स बोलते हैं, जिसकी वजह से बच्चा मुंह खोलकर सोता है, वो सब दिक्कतें। बच्चे के अंदर, गले के अंदर टॉन्सिल जब बढ़ जाता है तो उसको निकालने की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पाती है, वो उस चीज़ के लिए ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। वो ऑपरेशन करने की सुविधा, वो भी हम लेज़र से या फिर नॉर्मल प्रोसीजर से भी कर सकते हैं। जैसे भी जो भी सुविधाएं हैं, आधुनिक सब सुविधाएं हैं, वो सब यहाँ ट्यूलिप हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। मैं यहाँ पर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक की OPD सुबह के समय करता हूँ, और शाम को 5 से 7 की OPD कर रहा हूँ। स्वागत है आपका सैनी हेल्थ केयर फार्मेसी, अ कंप्लीट हेल्थ केयर सेंटर में। हमारे यहाँ अंग्रेजी, देसी व पशुओं की दवाइयाँ, कॉस्मेटिक्स, ग्रीन टी, सर्जिकल आइटम्स, हर प्रकार की वैक्सीन, फूड सप्लीमेंट, स्ट्रेमर, हेयर ड्रायर आदि, व्हीलचेयर, थर्मोमीटर, नेबुलाइजर, शुगर मशीन होलसेल रेट पर मिलती है। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समाचार विज्ञापन के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद।